इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के नौगछिया में और यहाँ पे देख सकते हैं कितना गाड़ी जो है वो लगा हुआ है और यह तमाम गाड़ी जो है सैकड़ों गाड़ी जो है ये अभी अयोध्या जा रहे हैं और 22 तारीख को ये अयोध्या पहुँचेंगे। अभी नौगछिया में है, इतना गाड़ी कहाँ जा रहा है? जी हम लोग अयोध्या जी जा रहे हैं। अयोध्या के कितना गाड़ी होगा समथिंग? हम लोग के पास 14 गाड़ियाँ हैं। 14 गाड़ी है? जी जी जी। कब निकले थे आप लोग? 2 तारीख को हम लोग निकले थे बीजेपी कार्यालय से। पूरा हम लोग बिहार भ्रमण करते हुए हम लोग 21 तारीख को अयोध्या के लिए रवाना होंगे। ये देख सकते हैं तमाम गाड़ी जो आप देख सकते हैं, यह पूरा बिहार भ्रमण करके फिर अयोध्या की तरफ निकलेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा धीरेन्द्र कुशवाहा नाम हुआ जी, और कुशवाहा महासभा के जिलाध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर। अच्छा, पूरा बिहार का भ्रमण करते हुए अयोध्या जाना है? हाँ, पूरा बिहार का भ्रमण करते हुए अयोध्या जाना है, जो 2 तारीख से चालू हुआ है जी। बीजेपी कार्यालय पटना से, प्रदेश कार्यालय से माननीय सम्राट चौधरी जी के भगवा ध्वज दिखाते हुए रवाना किए हैं। जय श्री राम के जो है वो नारा लग रहे हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अंदर में क्या चीज़? अंदर में राम जी का मूर्ति है जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो सबको दर्शन करवाते हुए यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, सबको दर्शन करवा, पूरे बिहार वासियों को दर्शन, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ वहाँ दर्शन करवा करके हवन कुंड में आयुति दिलवा करके वहाँ हम लोग निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने श्रद्धालु जो है वो भक्ति में लीन है और दर्शन कर रहे हैं श्री राम का। क्या नाम है आपका बहन जी? मधु कुमारी। अच्छा, आप भी दर्शन करने के लिए? हाँ, कर लिए दर्शन कर लिए। हाँ, देख सकते हैं किस प्रकार जो है माता एवं बहनों जो है वो दर्शन कर रहे हैं श्री राम जी का। तमाम जो है बिहार भ्रमण कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत जनता का प्यार मिल रहा है, सारे लोगों जो है हमको प्यार दे रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। वो हम लोग 2 जनवरी को चले थे पटना से और वहाँ से वैशाली, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, वाल्मीकि नगर होते हुए शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए मधुबनी, और मधुबनी से हम लोग आ गए आपका यहाँ सुपौल, सहरसा, मधेपुरा होते हुए हम लोग तमाम भ्रमण करते हुए नौगछिया तक पहुँचे हैं। यहाँ आप देख लीजिए जनता का कितना प्यार मिल रहा है और हम लोग को ये यात्रा से लौ कुश की धरती, माँ सीता की धरती बिहार है और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को, उससे के लिए बिहार की यह प्रसन्नता बढ़ जाती है कि यहाँ माँ सीता की जन्मस्थली है और लौ कुश की भी जन्मस्थली यही है। इसलिए हम बिहार वासियों को चाहिए कि उस दिन 22 जनवरी को दीपावली, आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि उस दिन दीपावली मनाएं, घर घर में मिठाई बांटें और आपस में भाईचारा कायम करें। और एक चीज़ और हम लोग कहना चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो आभार हम लोग देने जा रहे हैं इसके लिए कि यहाँ जो है लौ कुश की धरती जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, आपकी जन्मस्थली तो माननीय प्रधानमंत्री जी बना दिए, लेकिन आधा जो अंग बिहार की है उसका भी जो है भव्य मंदिर बने और एक राष्ट्रीय पर्यटक के रूप में विकसित हो, यही हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार पर भी जो है ध्यान दिया जाए इस कार्य के लिए। मैं शिवपूजन साय कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। और एक सर हैं आपका, क्या कार्यक्रम के ये सर संयोजक हैं, क्या नाम है सर आपका? नूतन पटेल नाम हुआ, लौ कुश रथ यात्रा के हम संयोजक हैं जी। 2 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्यालय से आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भगवा झंडा दिखाकर रथ की रवानगी किए थे, जो हम लोग छपरा, सिवान, गोपालगंज होते हुए आगे 5 को हम लोग वाल्मीकि नगर सुबह में, जहां लौ कुश का जन्म स्थली है वहां भव्य पूजा पाठ किए, धरती को नमन किए। 6 जनवरी को पुनः हम लोग सीतामढ़ी पुराना धाम गए, वहां जहां माँ सीता का प्रकटीकरण स्थल था है, और वहां भी हम लोग पूजा पाठ किए, उस धरती को नमन किए। इसी तरह कारवां आगे बढ़ते गई और आज हम लोग आपके यहाँ पर उपस्थित हैं।
और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रभु राम के बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हम लोगों के पूर्वज हैं प्रभु श्री राम, और हम लोग के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है और इतिहास का नवीनीकरण हो रहा है। लौकुश समाज का इतिहास का नवीनीकरण हो रहा है और हम लोग इसी प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के लिए रथ लौकुश रथ के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार में घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 22 जनवरी को हर व्यक्ति जो है अपने घर को साफ सुथरा करते हुए दीपावली जैसा पर्व मनाए, चूँकि बिहार में इससे बढ़िया अवसर और कभी बिहारियों के लिए नहीं हो सकता है। चूँकि यहाँ सीता का भी रहा है जन्मस्थली और लौकुश का भी रहा है, तो हम लोग सबसे निवेदन कर रहे हैं, सब लोग हम लोग के समाज के जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ कहीं भी जा रहे हैं सब लोग यही आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, 2024 में उनको भारी मत से हम बहुमत दे के विजयी बनाएंगे। और चूँकि विश्व के भी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान अभी भारत का जो स्थिति है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, समाज में सौहार्दपूर्ण स्थिति है, कहीं सांप्रदायिक आपस में सौहार्द कायम है लोगों के बीच में, और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे विश्व में कहीं 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 ऐसा दिख रहा है कि जहां विस्तारवादी है, जहां क्षेत्रवाद का है, जहां उग्रवाद चल रहा है, सीमा विवाद है, बहुत लोग विस्थापित हो रहे हैं, आपस में मारकाट की स्थिति है, बच्चे छोटे अनाथ हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कितने की मौत हो गई, वैसे स्थिति में इतना मजबूत प्रधानमंत्री हम लोग को देश को मिले हैं कि 10 वर्ष का उनका शासनकाल हम लोग देखे अनुभव किए। अच्छा, तो पुनः हम लोग ये आम जनमानस से बिहार के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इनको फिर इनको भारी मत दीजिए और इनको विजयी बनाइए ताकि ये शांति जो देश में है वो कायम रहे, उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। अच्छा, अभी आप बिहार भ्रमण कर रहे हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? देखिए, हम लोग तो जब निकले थे 2 जनवरी को पटना से तो ये विपरीत मौसम था, विपरीत मौसम में निकले तो लगा कि कैसे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे इस मौसम में, फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोग का आत्मबल और बढ़ते गया, और लोगों के का जो उत्साह मिला, लोगों का स्नेह मिला, प्रेम मिला, जितना भी जिला के जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी थे, संगठन के पदाधिकारी थे, सब लोग इतना हम लोग को प्रेम दिए, हम लोग का उत्साह बढ़ते गया, इसी तरह कारवा बढ़ते गया, और कारवा बढ़ते बढ़ते 22 जनवरी को जो है हम लोग राम जी का जो कर्म भूमि है बक्सर, वहाँ 20 को हम लोग भव्य पूजा का आयोजन कर रहे हैं, याज्ञिक कर्मकांड वहाँ करेंगे, और हमको रात रात तक वहाँ पहुँच जाना है अयोध्या में, अब 22 को इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित दिया। बीच में एक दो जगह हमको जो जिला का जो हम भ्रमण कर रहे थे तो समस्या हम देखे कि कहीं कहीं ऐसा स्थिति है कई जिला में जहाँ पानी में आयरन की मात्रा बहुत है और स्नान करने में भी उस पानी से कठिनाई है, तो लोग पीते कैसे होंगे, कैसे उस जिला के लोग रह रहे होंगे, तो इस चीज़ पर हम थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, शासक के शीर्षस्थ लोग हैं, उनसे कहेंगे कि कम से कम उस चीज़ का ध्यान रखिए और पानी, स्वच्छ पानी मुहैया लोगों के बीच होना चाहिए ताकि किसी तरह का बीमारी नहीं हो, यही हमारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मधविका चौधरी है जी। आप इसमें क्या, आपका क्या योगदान रहा है इसमें? सबसे बड़ी योगदान की महिलाओं के भी योगदान है राम जी में, और पुरुषों के भी योगदान है, हम किन्नर समाज से आते हैं, पूरी किन्नर समाज का भी योगदान है, और पूरी किन्नर समाज का कहना है कि जब राम जी अपने घर में वापसी कर रहे हैं तो इसमें हमारा योगदान होना चाहिए, क्योंकि बिना किन्नर के शुभ काम के, बिना उनके नाचे वगैरह, बिना उनके बधाई की किसी भी चीज़ में बधाइयाँ पूरी नहीं होती। तो जब राम जी 500 साल से टेंट में विराजमान थे, अब अपने महल की ओर प्रस्थान करें, तो उसमें हमारा आगमन भला कैसे नहीं हो सकता, इसलिए हम इसी उद्देश्य से हम सब अपने अपने योगदान देने अयोध्या जा रहे हैं। पूरा बिहार का भ्रमण आप ही कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा महसूस कर रहे हैं पूरा बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, और फिर जो है अयोध्या की तरफ आप लोग सफर तय करेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत, मैं अपने आप को तो बहुत प्रफुल्लित गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मुझे ये अवसर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की ओर से मिली और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, क्योंकि उनकी उनसे मुझे ये मौका मिला कि मैं पूरी बिहार को भ्रमण करते हुए अयोध्या तक जा रही हूँ और पूरी समाज की नेतृत्व कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप अपने माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे, सब लोग खुश थे, दिवाली मनाए थे, सेम उसी तरीके से हमारे राम और हमारे सिया जी वापस घर वापसी कर रहे हैं, तो हम लोग धूमधाम से दिवाली मनाएं, साफ सफाई करें, मिठाई बांटें, खुशियां बांटें और इसी के साथ जय सिया राम। जय सिया राम। और चलिए और भी बाकी दिखाते हैं कितना जो भी सफ़र कर रहे हैं, जो भी दर्शक हैं, जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, उनका किस तरह से भीड़ लगा हुआ। चलिए आप लोग इस तरह बने रहिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो है वो गाड़ियाँ लगी हुई है और पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और फिर जो है अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। आपका क्या नाम है? रिया चौधरी। अच्छा, कि अभी कितने दिनों से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? 2 तारीख से। 2 तारीख से ही आप भी भ्रमण कर रहे हैं? 2 जनवरी से। अच्छा, तो कब तक पहुंचना है आपको? यही 22 को। 22 को कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। चलिए आप देख सकते हैं कितना गाड़ी जो है वो लगा हुआ है और पूरा बिहार जो है भ्रमण करेंगे। ये देख सकते हैं लवकुश रथ यात्रा जो है और जितने भी तमाम गाड़ी जो है वो बीजेपी पार्टी के तरफ से जो है वो दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कितने भव्य स्वागत, ये तमाम गाड़ियाँ जो है ये धीरे धीरे पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, फिर जो है ये लोग पहुँचेंगे अयोध्या की तरफ। ये आप देख सकते हैं तमाम गाड़ी जो है और लगातार जो है जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत समय के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।